नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ चटपटी और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, आज आपके लिए क्या है स्पेशल, आइए देखते हैं। अगले साल के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी फिर से पीएम चुन के आ सकते हैं। सीएलएसए के क्रिस वुड्स ने ये बात कहा कि अगले साल भारत की ओवरवेट रेटिंग बढ़ाई जा सकती है। क्रिस वुड अपने साप्ताहिक न्यूज़लेटर ग्रीड एंड फियर के लिए भी जाने जाते हैं। सीएलएसए की 21वीं इंडिया इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मोदी सरकार को 10 में से 8 नंबर दिए। हांगकांग की वित्तीय सेवा कंपनी सीएलएसए के एमडी एवं इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट क्रिस्टोफर वुड ने कहा कि नोटबंदी बेहद साहसिक कदम था, बेहद बहादुरी भरा कदम था, तो ये बात एक बहुत बड़ा सुधार लेकर आई है। उन्होंने कहा 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हासिल है। आपको बता दें 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी कर दी गई। हालांकि उन्होंने माना कि पार्टी को थोड़ा कम बहुमत हासिल होगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि आईएलएस एंड एफएस संकट बड़ी समस्या है। कुछ बैंकों की दिक्कतों ने साबित किया है कि वो घरेलू शेयर बाजार के लिए दोगुनी समस्या से कम नहीं है। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था डॉलर का मजबूत होना है। हालांकि कच्चे तेल के गिरने के रुपए में मजबूती लौटी है। मुझे पूरी उम्मीद है इस साल के अंत तक चीन और अमेरिका के बीच जारी ट्रेड वॉर खत्म हो जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो ये दोनों देशों के लिए बेहद खराब होगा। सीएलएसए की 21वीं इंडिया इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मोदी सरकार को 10 में से 8 नंबर दिए। उन्होंने इस रेटिंग के पीछे का कारण बताते हुए कहा कि सरकार बैंक संबंधी समस्याओं को पहले नहीं भांप पाई, लिहाजा मैं उसे 8 नंबर दूंगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो हमारी स्टोरी को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब।